धन प्राप्ति के उपाय और कह है अंग छोरे से धन की वर्षा होती है। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए फिर से एक और नई वीडियो, नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं आपके समक्ष। आज के इस वीडियो द्वारा हम आपको बताने वाले हैं आखिर औरत का भय कौन सा अंग है जो हर रात बेशरम होकर दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। जो लोग औरत का कौन सा अंग दबाकर और कसकर चूसने से अमीर बन जाते हैं, मनुष्य औरत का यह अंग दबाता है या फिर चूसता है, उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और दूसरों की कृपा सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें। एक बार की बात है, तरुण नाम का एक व्यक्ति रहता था। मेरी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान था कि मेरी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना मारती थी कि हमारे पास ही है क्या, खाने तक को कुछ भी नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी, एक भी रुपया भी नहीं था और उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और अन्न का एक दाना भी तय नहीं था। मित्रों, एक तो घर में खाना नहीं है, ऊपर से पत्नी का ताना, वह बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकल गया, वह बहुत ही सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे एक महात्मा तपस्या करते हुए दिखाई दिए। जब महात्मा ने अपना तप खत्म किया तो तरुण उनके सामने जोर जोर से रोने लगे। महात्मा बोले, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। तब तरुण ने महाराज से कहा, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। फिर महाराज ने कहा, ठीक है तो मैं क्या करूं। तरुण ने कहा, कितना भी कुछ कर लूं लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूं। वह देर रात मुझसे झगड़ा करती रहती है, दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बाबा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह मुझे ताना ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल नहीं मानती है। फिर तरुण ने महात्मा जी से कहा, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। तब महात्मा जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशरम होकर दबाना और कसकर चूस लेना है, तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। यह अंग कोई भी चूसता है तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो प्रिय मित्रों, यह थी आज की वीडियो एवं ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आपको यह सुनकर शिक्षा प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।